नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्लिपकार्ट की सेल के बारे में, जो कि दोस्तों कई कई दिनों से फ्लिपकार्ट पर चल रही है। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक कोई स्मार्टफोन नहीं खरीदा है और जो लोग खरीदने की सोच रहे हैं बट अभी तक उन्होंने नहीं खरीदा है, दोस्तों उनके लिए आज आखिरी दिन है, वो फ्लिपकार्ट से अपने लिए कोई स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। दोस्तों बेस्ट स्मार्टफोन कौन कौन से हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों आज सिर्फ लास्ट डेट है इस सेल का, तो अगर आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है तो आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने आज का भी दिन मिस कर दिया तो दोस्तों इसके बाद आपको जो फ़ोन खरीदोगे उस पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी सेल चल रही है। और आपको पता ही है कि कुछ स्मार्टफोन दोस्तों ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको महंगे फ़ोन खरीदने पड़ेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप अगर काफ़ी कम पैर का फ़ोन खरीदते हो उसके ऊपर भी आपको फ्लिपकार्ट पर सेल मिल रही है, फ्लिपकार्ट पर ऑफर मिल रहे हैं कई अच्छे अच्छे फ़ोन के ऊपर। दोस्तों आज लास्ट डे है सेल का, अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस सेल से खरीद सकते हो। आपको रियलमी, सैमसंग और दोस्तों रेडमी, आपको कई अच्छे अच्छे ब्रांड के फ़ोन इस सेल में देखने को मिल जाएंगे कई अच्छी अच्छी ऑफर के साथ। दोस्तों मैंने वीडियो बना दी है, फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको 10,000 तक का कोई फ़ोन चाहिए तो आप रेडमी का 9 प्राइम ले सकते हो, जो कि दोस्तों आपको सिर्फ 9,000 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको फुल एच डिस्प्ले मिलती है। और दोस्तों आज सेल का लास्ट दिन है, तो अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए तो आज के दिन ही ले सकते हो। अगर आपने आज का दिन ही मिस कर दिया फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं किसी भी स्मार्टफोन के ऊपर। दोस्तों बस इतना ही बताना था आज की वीडियो में, क्योंकि दोस्तों फ्लिपकार्ट जो सेल है वो सिर्फ आज के दिनों चलने वाली है, इसके बाद दोस्तों सेल हो जाएगी खत्म। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।